बांग्लादेश है, मंगोलिया गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को बताया था कि यह धूपकाला जो है आपका समर, यह कोविड फ्री होगा। बहरीन ने ऐसा बताया था कि हम कोविड फ्री लाइफ जल्दी ही चालू कर देंगे। चिली यह देश जो है इन्होंने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी नॉर्मल आ जाएगी। सेशल्स ने ऐसा बताया था अपने देश के नागरिकों को कि आपकी नौकरियां, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। मगर ये सब बातें हवा में चली गई। क्यों? क्योंकि यह सब देशों ने, बाकी जो अनेक 90 देश है, 90 कंट्रीज, इनके साथ साथ मंगोलिया, बहरीन, चिली, सेशल्स, ये देशों के साथ साथ और बाकी भी 90 देश है कि जिन्होंने चीनी मैन्युफैक्चरिंग, चाइनीज वैक्सीन लिया था। एक्चुअली ये देश जो थे, बहरीन बोलो या चिली बोलो या सेशल्स, इन्होंने अमेरिका से ज्यादा स्पीड से वैक्सीनेशन अपने देश का पूरा किया और उनको ये विश्वास था कि हम आगे अभी इसके बाद में कोरोना होगा ही नहीं, हमारा लाइफ चालू जाएगा और कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और वो उल्टा 90 देशों में जो अभी कोरोना डेल्टा वेरिएंट प्लस जो है उसका उद्रेक हो रहा है, फैलना है, उसमें ये देश सबसे आगे। फिर लॉकडाउन की नौबत अनेक देशों में आई है और इसका कारण ये है कि चीनी जो लस है, चाइनीज वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है वो कोई इफेक्टिव इतना नहीं है, ये लोगों को पता चला। चीन ने अपने वैक्सीन बहुत ज़्यादा दाम में लोगों को बेची, बहुत ज़्यादा दाम, मतलब 5 रुपये कीमत है तो उन्हें 15 रुपये ली, बहुत पैसा चीन ने कमा लिया और वो भी डुप्लीकेट लस दिया। इतनी वैक्सीन जो है वो इतनी काम की नहीं है। वैक्सीनेशन देने के बाद में भी ये देशों में काफ़ी सारे नागरिक जो है वो कोरोना से बाधित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लॉकडाउन की नौबत आई हुई है और ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई और चीन ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी आगे करते हुए लोगों को ये बताया कि हमने वैक्सीन निकाली हुई है, हमारे से वैक्सीन आप ले लो, और वैक्सीन उन्होंने बेचना चालू कर दिया, बेभाव बेचना चालू कर दिया और लोगों ने डर डर के चीन से बातचीत करके बेभाव वैक्सीन ली भी और उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड से भी स्पीड से वैक्सीनेशन चालू कर दिया। उनके कंट्रीज में, मतलब ये कंट्रीज में 50 से 68% लोगों को वैक्सीनेशन उन्होंने पूरा कर दिया। ये समझ लीजिए अभी हमारा देश कोरोना फ्री हो जाएगा। मगर हुआ उल्टा ही। चाइनीज की सिनोफार्म नाम की वैक्सीन है और दूसरी है सिनोवैक बायोटेक, ये दोनों भी वैक्सीन कुछ भी काम की नहीं है। और अभी सब देश ये आगे आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तो फंसे, ये वैक्सीन जो है वो डेल्टा वेरिएंट बिल्कुल काम में आ नहीं रही है, कुछ भी उसका फायदा नहीं है और हमारे देश में जैसा कुछ वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। जब चीन ने उनको ये वैक्सीन दिया हुआ है और ये वैक्सीन काम का नहीं है तो चीन ने इसकी जवाबदारी लेना चाहिए, इन्हें भी हमारा वैक्सीन काम का नहीं है, ये जिम्मेवारी चीन ने लेने को होना चाहिए और जिनमें चीन ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अभी चीन के जो साइंटिस्ट है, चीन का ऐसा कहना है कि ये देशों ने जब वैक्सीनेशन लिया तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क पहनना बंद कर दिया, हाथ धोना बार बार बंद कर दिया और भीड़ भाड़ चालू हो गई, इसके वजह से ये कोरोना उनके देश में फिर से आ गया, ऐसा उनका कहना है। मगर ये तथ्य नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद में लोग कम बीमार होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि वैक्सीन आप लेते हैं तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मामूली सा कोरोना होगा और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को कोरोना हो रहा है तो वैक्सीन जैसा कुछ हुआ ही नहीं, ये ही नहीं ऐसा लोगों को लग रहा है। तो चाइनीज जो वैक्सीन है उसका परिणाम हुआ नहीं, ये क्लियर कट है। अब ये देशों के सामने ये सवाल आया हुआ है कि लोगों को कैसे पटा। अमेरिका ने जब 45% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा किया था तो उनके वहाँ ये देश में 94% कोरोना कम हुआ था। इसराइल में जब 58% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हुआ था तब उनके पास में सिर्फ 10 लाख लोगों के पीछे 4 ही पेशेंट मिले। सेशल्स में उल्टा हुआ, सेशल्स ने चाइनीज वैक्सीनेशन किया, उन्होंने 68% वैक्सीनेशन पूरा किया और उसके बाद में भी 10 लाख लोगों के पीछे 716 कोरोना के मरीज दिखाई। तो लोगों को पक्का क्लियर हो गया कि ये चाइनीज जो वैक्सीन है वो कुछ काम की नहीं है, उन्होंने मूड बनाया। तो अभी लोगों को कैसे बटाना वैक्सीनेशन के लिए, वो अभी ये देशों के सामने सवाल है। और वैसे अभी फिर से लॉकडाउन,
फिर से ये भी चालू करना गया, ये भी सवाल आ रहा है। चाइनीज कितना प्रॉब्लमेटिक देश भी है जो हमको कितनी तकलीफ दे रहा है, हमको ही नहीं सिर्फ हमारे देश को ही तकलीफ नहीं दे रहा है, तो पूरा दुनिया को तकलीफ कैसे दे रहा है समझ में आ रहा है। कोरोना चालू भी वहीं से हुआ, वैक्सीनेशन तैयार किया, 90 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई किया बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा रुपए लेके, और वो भी डुप्लीकेट वैक्सीन दिए। चाइना तो सुपर पावर बनने का है, कोई डाउट ही नहीं है, मगर ये जो तरीका उन्होंने अपनाया ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक तरीका है। फिर आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो, और चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको बहिष्कार डालना होगा, सिर्फ वैक्सीन नहीं सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।